नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके लिए लेटेस्ट अपडेट कहीं ना कहीं से जो भी अपडेट रहती है हमारे यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो हमारी देश की कोई खबर हो, तो वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। और आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चलते हैं और वहाँ से हम जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है वहाँ से क्या क्या रिजल्ट्स आज आउट हुए, जो हमारे जून और जुलाई के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उनके रिजल्ट्स की आज हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आज 29 सितंबर है, ये आ चुका है। और आज मास्टर ऑफ आर्ट्स पंजाबी फाइनल ईयर का भी रिज़ल्ट आ गया। कल के डे में दो रिजल्ट्स और आए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स वोकल सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था और मास्टर ऑफ साइंस एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था। और मास्टर ऑफ आर्ट्स म्यूजिकल 27 तारीख को था, इसकी आपको अपडेट दे दी गई थी। अब हम बात करेंगे, लौटेंगे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। और यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है आप जानते ही हैं, वो मेन मुद्दा हमारा है जो 800 के करीब हमारे रीअपियर्स दिए गए हैं तो उनकी बातचीत चल रही है। तो अभी कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया है उन तमाम बच्चों के लिए जिनके लगभग 800 बच्चों के करीब रीअपीयर्स आई हैं फाइनल ईयर के। तो जैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये दावा किया था कि उनके रिजल्ट्स रिवाइज कर दिए जाएंगे और अपडेट दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो अभी भी प्रक्रिया प्रोसेस जो है जारी है, स्ट्राइक पे हैं बच्चे, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं हम तक पहुंची है। जैसी आपको कोई खबर मिलेगी मुझे तो आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। तो ये है आपका अपना चैनल एजुकेट चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करके अपने कमेंट ज़रूर सेक्शन करें। आप रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं और आपको रिजल्ट्स की अपडेट लगातार मिल रही है। फॉर्म भरने को लेकर एक नई वीडियो बनाई जाएगी कल आपको, तो कैसे भरने हैं फॉर्म दिसंबर एग्ज़ाम्स के, उसकी बात हम आज यहाँ से करेंगे। धन्यवाद।